प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली डालिया मेरे जीव के जीव इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बाबू पल ना वालू निरखु नेत्र मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर आपके कोमल चरणों में मेरे दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कर प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा और मेहर की बारिश में नूर की बारिश में हम सब सुंदर साथ एकत्रित उसमें झील रहे हैं, उसके रंगों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं और उसके रस का पान कर रहे हैं। याद करो सुंदर सा, जब हम पाट घाट में आते थे और जमुना जी में जल क्रीड़ा करते थे अपने धाम धनी के जुगल स्वरूप के साथ, तो किस प्रकार की आनंद लीला होती थी। हम सब एक दूसरे के ऊपर जल उछालते थे और जल स्वयं धाम धनी का स्वरूप आत्मा का स्वरूप जब जुगल स्वरूप जमुना जी में प्रवेश करते हैं और सभी रूहें उनको घेर कर जल क्रीड़ा करती तो जमुना जी के अंदर इतना उफान आता है कि वो अनंत उमंग उत्साह के साथ आसमान को जाकर छूने लग जाती है। जल भी और जल का नूर भी आसमान को छूता है, वो आसमान जो आत्मा है धाम धनी के दिल का स्वरूप। जल भी आत्मा है दिल का स्वरूप। तो जल आसमान से अरस परस हुआ जाए इतना उमंग भर जाता है जब आत्माएं जल के अंदर जुगल स्वरूप के संग लीला विहार कर। तो सुंदर साथ इस ब्रह्मांड में हमारी जमुना जी अर्श का जल है, इल्म का सागर है और उसका स्वरूप साक्षात जुगल स्वरूप विराजमान है सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री कुंभ जी में। उनका वांग्मय स्वरूप 12 थंभों के सुंदर स्वरूप पर विराजमान है। कितना सुंदर परम धाम में तो 12 थंभ विध विध के लघों के हैं, चारों कोने में 4 नीलम के थंभ और हर कोनों के थंभ में चारों दिशाओं में अलग अलग पूरब की तरफ 2 माणिक के थंभ, दक्षिण की तरफ 2 हीरा के थंभ, पश्चिम की तरफ 2 पाच के थंभ और उत्तर की तरफ 2 पुखराज के थंभ। ऐसे सुंदर भारत, लेकिन उसका स्वरूप श्री गुम्बर जी में वो 12 थंभ जो है
वो कंचन की, शुद्ध स्वर्ण की। किस नैन से आप उसको देखते हैं ये फर्क डाल देता है। आपके दिल में कैसा भाव है, वो स्वर्ण का पीला दिखता है कि आपको थंब कंचन अति लाल दिखता है। कंचन जब इस तरह से अग्नि में तपाया जाता है कि उसका रंग लाल हो जाता है, तो वो कंचन का थंब जो वैसे पीला दिखता था, लेकिन आत्मा की नजर जब उस पर पड़ती है तो आत्मा का मुखारविंद का स्वरूप हर थंब में दिखता है। आत्मा का मुखारविंद नीर का सागर है जिसका रंग लाल है, और जो प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है तो थंब जो जिनका दिल ना ईमान लाया उनको तो वो पीला दिखेगा, और जिनका दिल वही रहता है उनको उसमें अपने मुखारविंद की आब झलक मिलेगी और वो लाल रंग की होगी। वैसे ही जैसे मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजमान है, और ऐसा उनका इल्म का स्वरूप उन 12 थंबों के बीच में सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। और सुंदर सात का दिल अगर उस इल्म में, उस स्वरूप में, उस गुम्बद जी के 12 थंबों के सिंहासन में, उसकी तरेटी में, उसके चंदन के झूले पर विराजमान साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप में पक्का ईमान, पक्का विश्वास, अटूट विश्वास, इसी को कहते हैं ईमान। जब ईमान दिल में होता है तो धाम धनी का जुगल स्वरूप उसी सिंहासन पर उसी प्रकार से नजर आएंगे जैसे कि उनका मूल मिलावे में या रंग परवाली में जो परम धाम का केंद्र बिंदु है, मध्य चौक का भी मध्य, पांचवी भूमि, वहां धाम धनी जुगल स्वरूप का मार्फत स्वरूप, क्योंकि उस अनंत परम धाम का वो केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु कहते हैं वाहेद मूल अद्वैत को, उस स्वरूप को जो दिल है, नूर का स्वरूप है अपने अनंत गुणों के साथ। तो परम धाम की वो पूर्ण हकीकत सिमट मानो आती है धाम धनी के दिल में, जिसका स्वरूप रंग पर वाली मंदिर के रंग मोहर के मध्य में नौ चौक, उस नौ चौक का जो मध्य चौक है और उस मध्य चौक का भी जो मध्य है, जो धाम धनी का दिल है, मार्फत स्वरूप है, वहां जुगल स्वरूप विराजते। तो जब हम सैया रात्रि के 9 बजे उनको शयन के वस्त्र पहनाते हैं, तब वो उनका शैया सिंहासन का रूप होता है और दोनों के मुख पूरब की ओर होते हैं और वहां भी नूर की चौकी होती है। और जब सुबह 6 बजे या 5 बजे उनको उठापन करते हैं और श्रृंगार सजाकर, तो उसी वो सेज शैया
सिंहासन का स्वरूप हो जाता है, उसमें जुगल स्वरूप विराजते हैं, पूरब की तरफ मुख करते हैं और हम सब सैया आकर चरणों लगते हैं। अब यही स्वरूप को सुंदर सा इल्म के सागर धाम धनी का हुक्म का इल्म का स्वरूप वांगमय स्वरूप जो तरहटी में विराजमान अक्षरातीत के दिल से प्रकट हुए वृक्ष का स्वरूप फलों का वो वांगमय स्वरूप। इस संसार में हम सब धाम धनी की असीम अनुकंपा कृपा से हम सब ने अपने घर में श्री स्वरूप साहब पधरा रखा है। एक स्वरूप साहब को पधराते हैं पालकी और दूसरे को रहल पे रखकर पढ़ते हैं, कुनर मनन मंथन करते हैं। हम भी उस आनंद में जीते हैं, लेकिन जो गुम्मट जी में स्वरूप रखा है सुंदर सा, वो कोई ऐसे मत समझो कि कोई पुस्तक लाके रख दिया या वाणी ही लाकर रख दिया। वो धाम धनी साक्षात जो तरेटी में ठीक उसके नीचे बैठे तो उनके दिल से हुक्म इल्म की ये वृक्ष जो प्रकट होता है और वो वृक्ष इतना सघन है अपने सुंदर फूल पत्तियों के साथ और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फल अनंत रस से भरे हुए। सुंदर साथ एक बात बताऊं, परिक्रमा ग्रंथ हम सब पढ़ते हैं, चर्चनी में रस का पान करते हैं। याद करो सुंदर साथ, परम धाम में जितने वृक्ष हैं, सात केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी, तो हर वृक्ष में हर फल लगता है। जैसे अमृत वन में वो सिर्फ आम का फल नहीं लगता, उसके अंदर अनंत फलों के स्वरूप लगते हैं। और आप किसी भी वन में जाएं, जो दिल की इच्छा करे आपको वो मिल जाएगा। आम के अमृत वन में पहुंचे और आपका दिल कर गया केला खाने का, तो वही केले का फल आ जाएगा। और केल वन में जाने के बाद अगर आपके दिल ने चाहा कि आम का फल खाएं, तो वही आम का फल मिल जाएगा। मेवा विध विध के उसके खजूर सब लगे, बस दिल के में जो बात आई वो जिस वृक्ष के सामने है उसके अंदर वही लग जाता है। ये बात आज आपको क्यों याद दिलाया, वो इसलिए कि धाम धनी ने अपने दिल का ये जो वांगमय स्वरूप जो जुड़ा हुआ है, जैसे एक आप बाहर से लाके रख दो और एक दिल से प्रकट होता हुआ ऐसे वाणी के रूप में पधरा है, तो वो अलग नहीं है। वो धाम धनी जो बैठे हैं तरेटी में अपने दिल से प्रकट करके, वो उनके दिल का स्वरूप है जो इल्म के रूप में प्रकट होता है और उसके अंदर हर सागर का रस होता है। तो उस इल्म में जैसे जो फल आप लेना चाहें,
आपके दिल ने चाहा कि इश्क का रस पान करें तो उस इल्म में इश्क का रस मिल जाएगा, निस्बत का रस पान करें तो निस्बत का रस मिल जाएगा, मेहर का रस पान करें तो मेहर का फल का रस मिल जाएगा। जो चाहे बस दिल होना चाहिए आत्मा का, क्योंकि उस स्वरूप में जुगल स्वरूप बैठे हैं। आप और हम जब भी पन्ना जी जाते हैं तो जब मानो मेहर के सागर के दरवाजे से परम धाम में सर्व रस सागर में जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो त्रिपोलिया होता है, उससे प्रवेश करते हैं। वो वैसा ही स्वरूप वो गुम्बद जी में मुख्य दरवाजा का है। जब उससे प्रकट प्रवेश करते हैं तो ऐसे 12 थम्भों के सुंदर सिंहासन पर कंचन रखे प्रेम की आभा छटा बिखरती, और तब हम अगर मेरे दिल ने उस स्वरूप में जुगल स्वरूप को सिंहासन पर बैठे देखा तो कोई रोक नहीं सकता इस ब्रह्मांड में कि हमको आपको जुगल स्वरूप मां ना दिखे। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विद, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। तो ईमान लाओ और धाम धनी का दीदार करो। तो सुंदर साथ अब हम सब कलश हिंदुस्तानी में झील रहे हैं, जो धाम धनी का एक फल है, उनके दिल से प्रकट हुए इल्म का फल में एक फल कलश का है। तो आइए सुंदर साथ उस फल का रस पान करें और धाम धनी के सुंदर स्वरूप को, उनके इल्म के स्वरूप को का दीदार करें, उसके रंग से अटखेलिया करें और उसके रस में झीलें, पान भी करें और झीलें। तो प्रकरण 10 है, राक्षसी में उतरा है। इस प्रकरण में तारतम ज्ञान की महिमा बताई। तो दिल अपना गुम्बद जी में रखना सुंदर साथ। मैंने कल चर्चा में धाम धनी की कृपा से कहा था कि जब चितवन करते तो स्थिति दिल की कैसी होती, जब विरह की अग्नि जल रही हो, तड़पन हो रही हो, तो सुरता हबसे मिले जा और पूरे दृश्य को अपने दिल में धारण कर लो। जब इल्म के स्वरूप में झीलना चाहो और उसके अंदर अनंत रस को देखना चाहो तो गुम्बद जी में सुरता ले जाओ। और जब अपने मूल स्वरूप में आकर धाम धनी के मार्फत स्वरूप का रस पीना चाहो तो मूल मिलावे में सुरता ले जाओ, जहां प्रेम के स्वरूप आप हो जाते हैं, इश्क से अरस परस हो जाते हैं, वाहिद की लहरें वाहिद के स्वरूप हो जाते। तो ऐसे ही अब ये तारतम की महिमा है, तो सुंदर साथ अपनी सुरता से गुम्बद जी में लगा के रखना। सत असत पटंतरो जैसे दिन और रात,
सत्य और असत्य के अंदर ऐसा ही अंतर होता है जैसे दिन और रात। दिन में जैसे सब कुछ दिखता है और रात में हाथ को हाथ नहीं सूझता, तो रात अज्ञान का प्रतीक है और दिन ज्ञान का प्रतीक है। तो सत असत पटंत इस ब्रह्मांड में अनंत धर्म ग्रंथ की रचना हुई, लेकिन वो सत्य का जो परम सत्य है उसका बखान नहीं कर पाए, यानी कि अक्षरातीत के स्वरूप का बखान नहीं कर पाए। तो वो कौन करता है? ध्यामधनी ने, जो स्वयं अपने दिल के इल्म के सागर से प्रकट किया है। तो ये सुंदर साथ के लिए प्रकट हुआ। जब सुंदर साथ जाग जाएगा तो अक्षर ब्रह्म भी जागेंगे, तो सारा ब्रह्मांड जागेगा। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को हेर जमाऊं, पीछे अक्षर उठाऊं। तो सभी आत्माएं जागृत होने के बाद ही अक्षर ब्रह्म जो यहां के मूल नियंता हैं, वो जागेंगे। और जब वो जागेंगे तो ये दुनिया क्षर ब्रह्मांड के स्वरूप जागेंगे। इसलिए आत्माओं को जागना आवश्यक है, और धामधनी इन आत्माओं के लिए वो इल्म लेकर जो सत्य यानी परम धाम की हकीकत और परम सत्य यानी कि धामधनी के दिल के स्वरूप मात्र की पहचान देता है। तो सत्य असत्य पटंतो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। वो अखंड है, शाश्वत है, अविनाशी है। यहां असत है, जड़ है, दुख की दुनिया है। तो यहां का ज्ञान भी अंतोत्तगत्व हमें दुख के सागर में डुबो देता है। यहां के ज्ञान के पास आनंद है ही नहीं, तो देगा कहां से? तो सत असत पटंतरो जैसे दिन और रात। तो दिन वो ज्ञान का उजाला का स्वरूप है, प्रतीक है, जो परम धाम के स्वरूप यानी कि धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप हकीकत को और दिल के स्वरूप मार्फत को दर्शाता है। ये तात्म ज्ञान। सत सूरज सब देख ही जब प्रगट भयो प्रभात। तो जैसे रात्रि के बाद उषा काल आता है, प्रभात की फेरी निकलती है, यानी अब उजाला आने को है, तो सब उसका आवाहन करते हैं। तो इस ब्रह्मांड के लोग और आत्माएं इस इल्म के आने के बाद उनके दिल रोशन हो जाएंगे। सत सूरज तब देखें, ये तारतम ज्ञान के अंदर जो सत्य और परम सत्य का स्वरूप दर्शाया गया है, जिसका दिल जैसा होगा वो वैसा लेगा। तो आत्माओं के दिल में और धामधनी के दिल में, परम धाम में कोई फर्क, तो जैसा धाम धनी का दिल देता है वैसे ही आत्माएं लेती। हाँ, जीवों के दिल पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है।
अब आप सोचो सुंदर साथ, क्या अक्षर ब्रह्म के जागने के बाद पहले उनकी सुरताएं ईश्वरीय सृष्टियां जाग सकती? तो सब संयां जब जाग जाएंगी परम धाम की, तब अक्षर ब्रह्म जागेंगे, और जब अक्षर ब्रह्म जागेंगे तो ईश्वरीय सृष्टियां जागेंगी, और जब ईश्वरीय सृष्टियां जागेंगी तो ये ब्रह्मांड जागेगा। लेकिन महिमा किसकी होगी? वो जो धाम धनी के इल्म का सागर का वो प्रकाश, वो नूर, नूर तारतम जो हमें माया और ब्रह्म का निवेरा करेगा और ब्रह्म के दिल के एक एक किरणों को दिखाएगा। जोलो पीहु पर्दे मिने विश्व विभूति तब, जरा ध्यान दीजिएगा सुंदर साहब, धाम धनी ने ब्रज में अपना ज्ञान नहीं दिया, पहली बार हम ब्रज में ही आए ना, रास में अपना ज्ञान नहीं दिया, लेकिन इस ब्रह्मांड में जब प्रभात प्रारंभ हुआ तो बसरी स्वरूप के द्वारा अपने दिल से प्रकट करके 90,000 हर्फ सुनाए, लेकिन उसको ढांक कर रखा। 30,000 हर्फों पर तो अख्तियार दे दिया था, यानी शरीयत और तरीक, यानी सब ब्रह्मांड को एक ऐसे एक ब्रह्म की उपासना कराने के वास्ते। लेकिन ढांपे रहे, आया तो जाहिर कहिया रसूले, मैं हरफ सुने हैं कान, रसूल साहब बसरी स्वरूप बहुत साफ तौर पे उद्घोष कर रहे हैं, जाहिर कहिया रसूल, उन्होंने इस शब्दों को छिपा के नहीं कहा, जाहिर कहिया, मैं हरफ सुने हैं कान, मूल मिलावे में पहुंचकर उन्होंने अपने कानों से जो धाम धनी ने दिया 90,000 हर्फ उनसे सुने। जाहिर कहिया रसूले, मैं हरफ सुने हैं कान, जो हरफ जुबा चढ़े नहीं सो क्यों चढ़े कुरान। तो वो जब मेरी जुबा पे वो 90,000 के 90,000 हर्फ नहीं आ रहे तो मैं कैसे उसका बयान, जो हरफ जुबा चढ़े नहीं, जो हरफ जुबा चढ़े नहीं सो क्यों चढ़े कुरान। तो उसका थोड़ा सा, अभी दोपहर 12 नहीं बजे थे, पहला प्रहर था, थोड़ा थोड़ा प्रातःकाल की बेला, उसके बाद श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को दिया, लेकिन वहां भी ठापा ही रहा। तब सिर्फ 313 सुंदर साथ उसको ग्रहण करके आनंदित हुए, लेकिन देवचंद्र जी ने जब अपने कलेवर को अंतर ध्यान कर दिया तो 313 फिर से माया की नींद में सो गए। हाँ, इंद्रावती को छोड़, तो तभी ढांपा रहा, क्योंकि मलकी स्वरूप को भी सिर्फ 30,000 हर्फ जाहिर करने का हुक्म था। खुलासा ग्रंथ प्रकरण 2 में
जब हम लोग उसमें झीलेंगे तो पाएंगे कि कह रखा है कि 30,000 हर्फ बसरी को हुक्म दिया, 30,000 मलकी को हुक्म दिया, और हकी 30,000 के साथ साथ बाकी के भी 60,000 खोलेंगे, यानी पूर्ण इल्म का प्रकाश हो जाएगा, वही दोपहर का सूरज होगा जिसके स्वरूप इंद्रावती जी। जोलो पियू पर्दे में, तो ये बसरी स्वरूप पर्दा, मलकी पर्दा थोड़ा सा हटा लेकिन फिर भी पर्दा, विश्व विगूति तब, तो ये विश्व संसार को तारतम ज्ञान के प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ, उसकी महिमा उनके दिल में नहीं आई, सो पर्दा अब खोलिया, अब हकी स्वरूप ने सारे पर्दे खोल दिए, जो बसरी स्वरूप के ऊपर पर्दा था, जो देवचंद्र जी के कलेवर के ऊपर पर्दा था, वो सारे पर्दे हट गए, यानी कि सब के सब 90,000 अर्फ अब खुल गए, सो पर्दा अब खोलिया एक रस होसी अब। अब ऐसे दोपहर के सूरज के प्रकाश में सारी दुनिया जागृत हो जाएगी इस तारतम ज्ञान से। जोलो जाहिर ना होते तब इत उपज्या क्रोध, और जब तक तारतम ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था तब तक सारी दुनिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट घृणा निंदा कुटिलता दया विहीनता, ऐसे गंध जो माया के हथियार हैं उसमें लगे। आज भी अगर मैंने मान लो कोई बात वाणी के बारे में कही और आप बिल्कुल उसका उल्टा नहीं उल्टा सोचते हो तो क्या होगा, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, आपका दिल यही करेगा कि ये जो बंदा बता रहा है इसका विनाश हो जाए। जोलो जाहिर ना होते तब इत उपज्या क्रोध, तो जब तक वो पर्दे हट न जाए, जब तक दोपहर का सूरज उगकर अपना प्रकाश की किरणों में सबको झीलने का अवसर ना दे दे, तब तक दुनिया क्रोध, क्रोध तो एक शब्द बताया यानी माया के विकारों से छूट नहीं पाती। क्रोध के मतलब यही नहीं कि सिर्फ गुस्सा का स्वरूप, क्रोध जैसे माया के विकारों के अंग है, क्रोध कह दिया यानी माया के वो सब अस्त्र शस्त्र जो हमको गुमराह किए रहते हैं, भ्रमित किए रहते हैं। तो जब तक धाम धनी का तारतम ज्ञान पूरी तरह से जाहिर नहीं होता तब तक हम माया के चंगुल से छूट नहीं पाते। जब प्रगटे तब मिट गया, जब ये दोपहर का सूरज प्रकट हुआ तब सभी दुनिया एक रस हो जाती है, और जितना वाद विवाद विरोध है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दिन कब आएगा जब सभी आत्माएं प्राणनाथ के शरण में आकर उनके सुंदर जुगल स्वरूप का दीदार
इसी ब्रह्मांड में गुम्बद जी में कर लेगी। ईमान कच्चा, वहां आपको कुछ नहीं दिखेगा। ईमान पक्का, जाको दिल जी महान। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 83 की चौपाई है, आखिरी से एक पहले। शास्त्र संगी सब यो कहे, आज तक जितने शास्त्र हैं उन्होंने क्या फरमाया है? शास्त्र संगी सब यो कहे, विचार देख महामति। महामति जी कहते हैं, ओ मेरे प्यारे मानव जाति, विचारो, जो आपके ही धर्म ग्रंथ पुकार पुकार के कहते हैं, शास्त्र संगी सब यो कहें, विचार देख महामन, जैसी होत हृदय मिने तैसी पाइये गद। अब अगर आपके दिल में अमृत का कटोरा है, अमृत से भरा हुआ, और आपने माया के इन विकारों के वश में आकर उस कटोरे में विष डाल दिया, तो अमृत का क्या हाल होगा? तो ये गुनाह तो नहीं करेंगे ना हम कि जो अमृत रस का पान कर रहे हैं उससे हम बिछुड़ जाए, और माया की ये जो अग्नि भरी विकार शक्तियां हैं वो हमको ऐसा घेर ले कि वो अमृत रस को अगर मैं अपने हस्त कमल से चूं तो हमारे हस्त कमल से विष निकलेगा और वो अमृत को विष तुल्य कर देगा। लेकिन सुंदर साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माया धाम धनी के अमृत रस को छू भी नहीं सकती। निशा खातिर रहो। हां ये अवश्य कि अगर आपके दिल के अंदर विष रूपी काम को वासनाएं हैं तो अमृत का कटोरा आपके दिल में नहीं आएगा, और वो आएगा तो विष जाएगा। ज्यो ज्यो होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, यो करते छूटिया खेल नजरों तो रूहे कदमों तले हजूर। तो शास्त्र संगी सब यो कहें, विचार देख महामत, जैसी होत हृदय मिने तैसी पाइये गत। अगर माया ही रखी है तो माया को ही प्राप्त हो जाओगे, और यानी विष रखा है तो विष का पान करोगे, माया का पान करोगे, 84 लाख योनियों में भटकोगे। तुम्हारा स्वरूप एक घृणित स्वरूप हो जाए, और अगर तुमने अपने दिल में धाम धनी के इल्म से उनके स्वरूप को रखा तो सीधा खिलवत खाने में पहुंच जाओ। तो जैसे पहले भी बात हुई, आत्माओं की जो ये धर्म यात्रा है, चितवन की यात्रा है, वो श्री गुम्बद जी से होते हुए मूल मिलावे में विश्राम पाती है, इल्म से होते हुए मूल स्वरूप इश्क में विश्राम पाती है। जब प्रगटे तब मिट गया सब दुनिया को भ्रो। तो सब दुनिया कहने का तात्पर्य यहां यही है कि सब आत्माएं जिन जिन जीवों पर बैठी थी उन जीवों का विरोध मिट जाएगा।
जीव सृष्टियों का विरोध न कभी मिटा था न कभी मिटेगा, वो तो मिटेगा जाकर हश्र के मैदान। जब तात्म ज्ञान का वो प्रकाश उनको मिलेगा, जब अपने महबूब मौला का नूरी स्वरूप देखेंगे। ये प्रकाश खसम का, ये तात्म ज्ञान धाम धनी हमारे प्राण प्रीतम खसम, ये दिल का नूर है, ये प्रकाश खसम का। सो कैसे कर ढपाए, तो क्या माया इसको ढांप पाए, कभी नहीं। बस आत्माओं से इतनी ही गुजारिश रहती है, धाम धनी का इतना ही आदेश कि अपने तन से अलग होकर, जीव के स्वरूप से अलग होकर, इस संसार क्षर ब्रह्मांड से अलग होकर, इस ब्रह्म ज्ञान का रस पान करके अपने मूल स्वरूप में पहुंचकर धाम धनी के चरण कमल अपने दिल में रख। जाको आया हक इलम, जित आया हक इलम, अर्स दिल कहिया सोए, हक न आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क न। तीसरे चरण में जो इश्क है वो निस्बत है, अंकुली, क्योंकि निस्बत और इश्क में तो कोई अंतर नहीं है। महामत गए अमोमिनो के निस्बत इश्क सागर, निस्बत और इश्क और वाहद अरस परस। तो और जित आया हो हक इलम, अर्स दिल कहिया सो, जिस दिल में धाम धनी का वो इल्म का स्वरूप, गुम्बद जी का वो स्वरूप आया है, अर्स दिल कहिया सो, वो परम धाम का स्वरूप है। धाम धनी के चरण कमल वही बसते हैं, हक न आवे इश्क बिना, लेकिन धाम धनी का चरण वही बसता है अपने निस्बतियों के दिल में। हक न आवे इश्क बिना, यानी हक न आवे निस्बत बिना, हक न आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क ना हो, और बिना हक के आए इश्क नहीं मिलेगा। तो ये किसका, कौन इसके वारिस हैं? ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथ आप अपनी महिमा, आपकी महिमा का गान स्वयं अक्षरातीत कर रहे हैं। ये प्रकाश खसम का सो कैसे कर ढपाए, छल बल वल जो उल्टे। ये जो माया है छलनी है, ठगनी है, छल का स्वरूप है, भरमाती है, भ्रम का स्वरूप है। छल और इस माया का जो बल है, और वल जैसे रस्सी में ऐसे टेढ़ापन है, वैसे ही ये माया हमको बांध कर टेढ़ा कर देती है। तो छल बल वल जो उल्टे, जो उलट देती है, सो देवे सब उड़ाए। तो जिन जीवों के ऊपर आत्माएं विराजमान हैं, उनके जीवों को आज दिन तक तारतम ज्ञान के आने के पहले उसका प्रकाश पहुंचने के पहले जीवों को ऐसे बांध रखा था जैसे मानो सर्प ने बांध रखा था, या मगरमच्छ ने ऐसे बांध रखा था कि सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन ये सारा माया का बल और वल और छल तारतम प्रकाश से धाम धनी ने काट दिया। अब वो जीव भी
आत्मा की राह का अनुसरण करने लगती है। ये प्रकाश खसम का सो कैसे कर ढबाए, छल बल वल जो उल्टे, मत जीव को अभी तक उलट रखा था सो देवे सब उड़ाए, वो सब उड़ा दे। यानी माया के माया रूपी मगरमच्छ या माया रूपी सर्पों के ढेर में जो हमें बांध रखा था जीव को, उससे छुड़ा दे। दुनिया टेढ़ी मूल की, और ये दुनिया तो माया का ही प्रकटीकरण है। प्रकृति जो मूल प्रकृति है वो मूल माया का स्वरूप है, और उसका प्रकट मूल प्रकृति का प्रकट स्वरूप ये संसार जो प्रकृति कहलाती है। चलिए हम तो यही बात करते हैं लेकिन दिल में धारण हो जाता है। इस हकीकत रूपी प्रकृति का मार्फत है मूल प्रकृति, जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा है चित्त में सबलिक ब्रह्म में। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, इंड यानी ब्रह्मांड, ऐसे कई संसार प्रकट होते हैं, कई 14 लोक प्रकट होते हैं। प्रकृति पैदा करे जो मूल प्रकृति है ऐसे प्रकृति को पैदा कर देती है जिसके अंदर कई इंड आलम। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, माया ठौर ब्रह्म सबलिंग, सबलिंग यानी अक्षर ब्रह्म के चित्त का वो स्वरूप जहां पर उनकी मूल इच्छा जो मूल प्रकृति कहलाती है वो माया का मूल स्वरूप है, वही ये 14 लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश का मूल है। आदि नारायण का भी वही मूल। तो दुनिया टेढ़ी मूल की, तो ये तो टेढ़ी ही है प्रारंभ से, यानी सच्चिदानंद से टेढ़ी उल्टी असत जड़ दुख। सो पेड़ से निकालू वन, तो मतलब इस सांप का जितना जहर था उसके दांतों में उसके जुबान में सब खींच के निकाल लो, मगर मच्छ के सब दांत तोड़ डालो, और उसके अंदर जितना बल था वो सब भर लू, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते, और जीव धाम धनी के हुक्म का बल लेकर तारतम का बल लेकर निशंक दौड़ पड़ेगा आत्मा की राह। दुनिया टेढ़ी मूल की सो पेड़ से निकालू वल, वल यानी टेढ़ा, इसका मूल यानी माया का ही वल हर लू। पिया प्रकाश जो खिन में सीधा करूं मंडल, और इस तारतम ज्ञान के द्वारा सीधा करूं मंडल, यानी जो असत जड़ दुख की दुनिया थी उसको अक्षर की मूल नजर तले यानी योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर, तो वहां असत जड़ दुख नहीं है, वहां भी सच्चिदानंद ही स्वरूप है। हाँ, आनंद एक लहर है, चेतन है और सत्य है।
अक्ष जैसे अक्षर ब्रह्म सत्य उनके दिल का स्वरूप भी सत्य और परम धाम अक्षरातीत परम सत्य। तो ये दुनिया असत, योग माया का ब्रह्मांड सत्य और अक्षरातीत धाम का स्वरूप परम सत्य। तो प्रिया प्रकाश जो खिन में सीधा करूं मंडल, यानी असत जड़ दुख जो इसकी इसके गुण थे वो अब मैं उलट, सत्य जो ढांप्या नारे, और ये सत्य का स्वरूप नूर तारतम अब ढांप नहीं सके। चौथे दिन में ढपा रहा, तीसरे दिन में भी ढपा रहा, पांचवें दिन में उजागर हुआ और छठे दिन में तो दोपहर का सूरज ऐसे प्रकट हुआ कि सारे ब्रह्मांड में वो रोशनी हो गई उसकी। लेकिन पहले उस रोशनी में जागेंगी ब्रह्म सृष्टि, फिर जागेंगे अक्षर ब्रह्म और ईश्वरीय सृष्टियां, फिर जागेंगी जीव सृष्टि। सत जो ढांप्या ना रहे उड़ाए दियो अंधे, नूर पिया पसरे बिना, पिया के द्वारा प्रदत्त नूर तारतम के प्रचार के बिना प्रसार के बिना जो उनके हुक्म से ही होता है, क्यों मिटे दुनिया फेर। ये दुनिया का जो फेरा लगा रहता है ना 84 लाख योनियों में, इससे कब निकलकर अखंडता को प्राप्त करेगी। तो नूर पिया पसरे बिना, तो पांचवें दिन में धामधनी ने नूर तारतम प्रकट कर दिया, चौथे दिन का तारतम और उस तारतम का तारतम पांचवें दिन प्रकट हो गया और उसका दोपहरी का जो सूरज है उस प्रकाश में छठे दिन की। तो नूर पिया पसरे बिना, तो सभी आत्माओं के दिल में जब ये तारतम के प्रकाश का उजाला होगा जो धाम धनी के हुक्म से होगा, जबराइल और असराफील ये धाम धनी के दो बड़े फरिश्ते हैं जो प्राणनाथ के स्वरूप में महामती के स्वरूप में विराजमान। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्ध मूल, ये पांचों मिल किसको मिली, इंद्रावती, ये पांचों मिल भाई महा इंद्रावती महामती, ये पांचों मिल भाई महामत वेद कन्ने को पहुंची सरद। तो ये पांच यानी सच्चिदानंद स्वरूप और उनके दोनों मलायक जोश और बुधपूर्व वतन जागृत। तो जोश का फरिश्ता जबराइल और जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील। तो सुंदर सात दामदनी ने क्या किया, बड़े प्यार से उन्होंने अपने इन प्राणनाथ के स्वरूप में जब अपनी आत्माओं को देखा कि वो हमारे चरणों को की प्यासी है, इस अमृत रस की प्यासी है, तो उन्होंने अपने दोनों मलायकों हुक्म दिया, जाओ और मेरे मोमिन असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगह बानी कीजियो मेरे खासे बंद। तो आत्माओं के संग लगा दिया दाएं बाएं, वकीले मोमिनों की करत जबराइल जोर,
धाम धनी के हुक्म का जोर लेकर जबराइल रूहों की वकीली करता है, यानी माया के कष्टों से बचाता है। जहां मोमिन बसत हैं देत पर दक्षिणा तिन थौर। तो जबराइल मोमिन की प्रदक्षिणा करता रहता है हर घड़ी, माया का कोई जोर उसको भेद नहीं सकता। माया का स्वरूप सबलिक ब्रह्म में है और जबराइल का स्वरूप सत्स्वरूप। मोमिनों को रोशन करे जोश जबराइल आए और मोमिनों के दिल को रोशन करता है धाम धनी का जोश। संदेशे हक सुभान के मोमिन को पहुंचाए, तो मोमिनों को धाम धनी के संदेश तारतम ज्ञान का संदेशा पहुंचा। फिर उसका खुलासा, कामिल अकल मोमिन की असराफील बजावत सूर, गावत कलाम अल्लाह को होत रोशन खुदा को नूर। इस प्रकार से धाम धनी के नूर यानी कि नूर तारतम प्रकट हो जाता। तो सुंदर साथ ये जबराइल और असराफील के स्वरूप को जो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हैं वो उनको दे देते। जोश जबराइल इनको दिया इनों को साथ, वकीली इनों की करें जाके हकें पकड़े हाथ। अब धाम धनी के हाथ का की जोर को हर आत्मा महसूस करे कि धाम धनी ने हमारे हाथों को पकड़ रखा है और जबराइल और असराफील को हमारे अगल बगल में खड़ा करके हमें महफूज रखा है। अब तारतम के उजाले में जिसका नरसिंघा फूक चुका है असराफील, अब वो खुलासा होकर अब मैं धाम धनी के आवेश स्वरूप का दीदार करती हूं और इन आवेश स्वरूप की मेहर भरी नजर से मूल स्वरूप का दीदार करती हूं। ऐसा तो सत जो ढांप्या ना रहे उड़ाए दियो अंधेर, नूर पिया पसरे बिना क्यों मिटे दुनिया, क्यों मिटे दुनिया। तो धाम धनी के इस तारतम के प्रकाश के बगैर ये दुनिया अखंड मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकती। तो सुंदर साथ आज कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 10 पर चौपाई 7 पर विराम देते हैं।